एक साल बाद अभीरा लौटे अपने बच्चे के साथ पोदार हाउस और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है वे जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहीं पर जो है अभीरा अपने बच्चे को बचाने के लिए पोदार हाउस चुपचाप छोड़कर चले जाने वाले, जहाँ पर अरमान पागलों की तरह अभीरा को ढूंढते हुए नजर आने वाला है। लेकिन दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे अरमान बहुत बुरी तरह से कमजोर हो जाएगा और यहाँ पर जो है अभीरा को ढूंढते हुए उसकी याद में रोते हुए नजर आने वाला है। इसी बात का फायदा उठाने वाला है संजय और दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में अरमान के केस में ही फंसा देगा, जहाँ पर अरमान जो है यहाँ पर बुरी तरह से यहाँ पर जो है फंसने वाला है केस में। और दोस्तों कमिंग ट्रैक में यहीं पर अभीरा बहुत ज्यादा मुश्किल समय में बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने बच्चे को जो है डिलीवर करने वाली। और दोस्तों कमिंग ट्रैक में यहाँ पर अरमान के बच्चे को जन्म देकर फिर से प्लान बनाते हुए नजर आने की मैं अरमान करो उस बार मुझे बताया मैं तुमसे 9 महीने दूर रही हूँ लेकिन तुम्हारी सारी नाराजगी हमारे छोटू से बेबी को देखकर दूर हो जाएगी और मैं चाहती हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे करना। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहाँ पर अभीरा एक साल बाद यहाँ पर जो अपने बच्चे के साथ जो है नौ लौटेगी यहाँ पर पोदार हाउस, जहाँ पर सभी लोग हो जाएंगे शौक, जहाँ पर घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होगा, सभी लोग जो है सारी की तरह घर जो है यहाँ पर होने वाला है रूही के कंट्रोल में। और दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहीं पर कहानी में जबरदस्त ट्रैक आने वाला है, जहाँ पर अभीरा यहाँ पर घर पर लौटेगी और यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाएंगे अभीरा को रोक लेंगे कि तुम इस घर में कदम नहीं रखती, तुम्हारी वजह से आज अरमान की ये हालत है। दोस्तों कमिंग ट्रैक में यहीं पर अपने बच्चे को ताकत बनाते हुए अरमान को जेल से बाहर निकालते हुए नजर आने वाली अभीरा। दोस्तों कमिंग ट्रैक में यहीं पर होगी नई शुरुआत, जहां पर अभीरा अपने बच्चे के साथ लौटेगी वापस और दोस्तों कमिंग ट्रैक में लेगी अपने एक एक जो है यहां पर आंसू का बदला भी।